फत भी मेरी वीडियो अधूरी रह गई। करो करो पापा, आप मुंह क्यों चबा रहे हो सामने से? चांद सा टुकड़ा और ये ग्रहण। कोई नहीं है यहाँ पे, क्या चाहिए तुम्हें? Hey guys, good morning. कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं जस्ट ड्रामे मार रही हूँ। मैं उठ तो चुकी हूँ, और कब की उठ चुकी हूँ मैं अभी। मैं एक तो होता है ना, सुबह सुबह एक तकन्ना वाला आलस पड़ता है अगर कहीं नहीं जाना हो। और अब देखते हैं, सुबह भाभी ने इतना स्वाद दलिया बनाया, चाय बनाई थी, मज़ा ही आ गया। और बस भाभी तो फ्रेश हो चुके हैं, बारी है मेरी। और व्लॉग को भी शुरू करते हैं और आज का डे भी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब तक मैं व्लॉग शुरू ना करूँ ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा लग रहा है और मेरा दिन ना जाता ही नहीं है अच्छा। मतलब कुछ जैसा होता है ना, अगर आप उसकी तरह चले रहो ना, आपने कुछ गोल डिसाइड किया हो, अगर आप उसके साथ चले रहो, तब आपका डे बहुत अच्छा बीतता है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में करूँगी बेडिंग से, थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग करूँगी। और आज राधा जी का जन्मदिन भी है। ये व्लॉग में तो एक तो ना व्लॉग्स बहुत आगे पीछे डालती हूँ, सॉरी। तो हैप्पी बर्थडे राधा जी को हम बोलना चाहते हैं। पूजा करेंगे, और पूजा क्या करना, खाना तो खा लिया, ब्रेकफास्ट तो कर लिया मेरा ना। बहुत मैं तो भ्रष्ट होती जा रही हूँ ना दिन प्रतिदिन। पहले ना मैंने कुछ शुरू भी कर दिया था पूजा पाठ करना, और आजकल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, प्रॉब्लम्स तो वैसे सबकी लाइफ में होती है। तो चलो भाभी को गुड मॉर्निंग करते हैं और फ्रेश होते हैं, काम वाम करते हैं। आपको मैं भाभी से मिलवाती हूँ। पहले ये रखे मैंने कदम जमीन पर, और यहाँ हूँ मैं। ये है मेरा प्रिटी सा नाइट सूट, जिसको इसका लिंक चाहिए होगा प्लीज मेरे हॉल वाली वीडियो देख लो यार जाके, ठीक है? ओके, तो इधर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है यार ये, सच में। मतलब अब अगर मुझे ठंड के लिए मंगवाना होगा नाइट सूट, तो मैं मीशो से ही मंगवाऊंगी। आई लव मीशो। यस, एक चीज़ तो बताना भूल ही गई मैं, आज मुझे शूट करनी है एक हॉल वाली वीडियो। ओके, टाटा। भाभी तो फ्रेश हो चुकी है, खूबसूरत भाभी मेरी। बस मैंने भी अभी फ्रेश होना है, और भाभी अपना स्किन केयर कर रहे हैं। भाभी का स्किन केयर बहुत ज़्यादा क्वाइट, सिर्फ तीन चीज़ें लगाती है भाभी, मेरी भाभी की खूबसूरती का राज मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है, एक मॉइस्चराइजर है, एक गुलाब जल है, और ये फेस क्लीन करने का है, ठीक है? ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बिस्तर की हालत दिखाती हूँ अपनी, कितना खतरनाक वाला हुआ। शक्ल भी गंदी हुई है, देखो लैंप भी टेढ़ा हो गया मेरा, और कंबल वंबल ऐसे, और ये थोड़ी मेरी किताबें, इनको मत देखो नजर लग जाती है, पढ़ती तो मैं हूं नहीं, रखती हूँ इधर बस। तो इसको चुटकी बजा के क्लीन करते हैं। ओके, 1 2 3। सो ऑल थिंग्स आर डन। ये सारा का सारा बिस्तरा हो चुका है, और मैंने मेरा फर्श चमचमा रहा है बिकॉज झाड़ू भी दे दिया है। अब बारी है बाहर गार्डन में थोड़ा सा पानी देने की, और इन लीव्स को थोड़ा अंदर रखती हूँ। ये है मेरा क्यूट सा छोटू सा गार्डन। मेरे फूल का क्या हाल हो गया, आई डोंट नो। ये इस गमले में देखो क्या हाल है, और यहाँ पे ये अच्छे से खिल रहा है, पता नहीं इस गमले की मिट्टी में ऐसा, आई डोंट नो। पानी देती हूँ इसको पहले तो मैं, और मुझे इसको शिफ्ट भी करना है प्लांट को, यहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे इसकी जगह है। इसको मैं धूप लगाने के लिए बाहर रख देती हूँ, और फिर जब धूप चली जाती है तो अंदर रख देती हूँ। अब ये 2 दिन से बाहर था, अब इसको अंदर रख देते हैं अपनी असली जगह पे। आ गया मेरे घर पे, जाके देखती हूँ जरा। भगवान भाई, कोई नहीं है यहाँ पे, क्या चाहिए तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से। रेत पड़ चुकी है, तू देख कितनी बच्चियों को बेचा है, चल। तो अभी हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे न्यू वीडियो स्ट्रीट व्यू। अरे देखो बाहर बारिश लग चुकी है, और हमारी वीडियो पे पानी पानी फैल चुका है। अभी ये देखते हो क्या करूँगी मैं, मेरी वीडियो अधूरी रह गई। रिफत भी मेरी वीडियो अधूरी रह गई। रिफत भी डांस करो, अब करो करो, करते रहो। एक जगह रख तू स्टिल बस। आज मैं क्लास के लिए नहीं जा पाई, अभी मैं बस जस्ट निकलने ही वाली थी, बट मुझे मैसेज आ गया क्योंकि सिंजौली में प्रोटेस्ट हो रहा है और बसेस बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो बच्चे अभी नहीं पहुँचे घर, तो मुझे मैसेज आ गया कि आज नहीं हो पाएगी क्लास, तो इसलिए आज मैंने ऑफ़ किया है। और अभी मैं वीडियो बना के फ्री हुई हूँ, अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, खाना वाना खा लिया, उसके बाद अभी थोड़ी देर की नैप ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, फिर देखते कि क्या होता है। बाकी वीडियोस बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। हो चुकी है, और चाय का समय भी हो चुका है, और
यहाँ हूँ मैं, कुछ मन कर रहा है कुछ अच्छा सा खाने का, मतलब जंक फूड खाने का। तो चलो पूछती हूँ भाभी से अगर कहीं जा पाए हम। मैं सोच रही हूँ जहाँ पे न्यू अकाजा खुला है, जहाँ पे मैंने रील भी पोस्ट करी थी, वहाँ जाने का सोच रही हूँ। तो देखते हैं, खाना तो बनाया हुआ है शाम के लिए, तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो फाइनली अभी मैं और भाभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। आज मेरी तरफ से ट्रीट, और भाभी भी रेडी हो चुके हैं, चांद सा टुकड़ा और ये ग्रहण। तो चलो चलते हैं। कहाँ पर अभी सोच रहे हैं कि कहाँ खाएं हम, अभी डिसाइड करेंगे अच्छी सी जगह पे। अपनी नई वाली चप्पल पहन लो, अरे पिंक वाली। चलो चलो भैया को बोलो, भैया कुंडली लगा दे, तभी हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या खाएंगे। भाभी एक सेल्फी ले लेते हैं, थंबनेल के लिए हो जाएगी। तो अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, पर ये फ्लैश क्यों जली, एक मिनट में फ्लैश ऑफ कर लेते। और ये हमारा प्लान चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। पापा दिखाई, पापा आप मुँह क्यों चबा रहे हो छाते से? कैसे बुरे हैं ना पापा। मैं और भाभी जा रहे हैं अभी घूमने के लिए ना, कुछ खा पी के आते हैं, ठीक है। कैसे हंस रहे? नो कमेंट्स। देखिए जनता को जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही जा रहे हैं पापा, ऐसे इग्नोर करते हैं सपना जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ। तो चलो अभी देखते हैं कि कहाँ जाए हम खाने के लिए। बहुत क्रेविंग हो रही थी, कुछ खाना था। मैं भाभी को लेकर आई, लग रहा है बहुत है। हाँ ओ इतनी हाई है, कितना अच्छा ना। क्या सोच रहे हो भाभी आप? कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। यार सुंदर लग रहा है, इतनी अच्छी है। नहीं इतनी इतने कपड़े पहने तो बैठे मैं कल बड़ी मुश्किल से आ गई है। ये मिले थे कितने के बाद दीदी? ठीक है। तीन का तीन को और कोई गलत नहीं, ये तो गरीब मिडिल क्लास का ये अच्छा है। देखो जी को लगाना पड़े पता, पापा को मंगाया मैंने क्या पिज्जा। ये अच्छा है ना जी बिटाल। इस ट्यूब के साथ इतना स्वाद स्वाद खाना, आहा स्वाद स्वाद खाना। तो क्या भाभी, भाभी खा के ना भाभी को पसीना पड़ जाता है जब भाभी अच्छा खाना खाती है। और यहाँ भैया, भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? तो कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। मुझे फ़ोन में घुसने दो, मैं घुसना चाहता हूँ फ़ोन में। खुली खुली हवा में अच्छा लग रहा है, यहाँ भाभी है, यहाँ भैया है, फूड वॉज ऑसम। अभी हम ऐसे आ गए उठ के, और मेरा बहुत ऐसे क्रेविंग बनी थी। कभी कभी होता है ना ऐसा कुछ खाना, देखो अभी ट्रेन दिखाई देगी यहाँ से, दिखाई भी नहीं दे रही पहले वो जो नहीं। हाँ नहीं कर देते हम कई बार दिखा। हाँ ये अच्छा है, किसने निकली पनीर का पिज्जा आ चुका है हमारा। मैंने खींची थी, मैंने खींची है। चलो खाएं, लड़ना बाद में, पहले खा लेते हैं। बोलो पहले आई एम टू क्लमजी। व्हाट इज दिस? खाना तो हो गया, अब बारी है घर के खाने की, क्योंकि डिनर तो बनेगा ही बनेगा चाहे बाहर कितना भी खाया हो। अभी तड़का दे रही हूँ मैं, बैंगन ही बोलते हैं इनको शायद, क्या बोलते हैं, हाँ बैंगन ही बोलते हैं। ये बना रही हूँ मैं अभी। खाना पीना हो चुका है, अब बारी है स्किन केयर की और आराम से सोने की। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो एडिट करने की, थोड़ी सी क्या पूरी वीडियो एडिट करनी पड़ती है। और अभी मैंने जस्ट अपना फेस क्लीन किया है और मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ मैं, क्योंकि आज बारी है, आज मैं लगाऊंगी अपने फेस पे।
रेटिनॉल सबकी फेवरेट, उल्टा पकड़ा है मैंने शायद, अरे आपको ऐसी दिखाई देगी उल्टी, ठीक है। तो ज़रूरी है रेटिनॉल यूज़ करना अपने फेस पे, उसको सूट होता है उसको यूज़ करनी चाहिए। एंड देन अभी तो मैं जस्ट बोरोलिन लगा रही हूँ होठों में, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है अपने फेस पे वहाँ वहाँ। ओके यस, ऑल थिंग्स आर डन। बारी है रेटिनॉल लगाने की, इसको मैं थोड़ा सा लूँगी बिल्कुल, और बिल्कुल पी साइज अमाउंट इतना सा, और इसको अपने ऑल ओवर फेस पे लगा दूँगी। इसको रब नहीं करना है, जस्ट मैं ब्लेंड करूँगी इसको आराम से। यहाँ लगाना है मुझे, क्योंकि आईज के पास ना ज़्यादा रिंकल्स जैसे आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, और स्माइल लाइंस भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे मेकअप करते हैं ना तो दिखाई देता है, इसलिए आपको ट्रेडिशनल यूज़ करना ज़रूरी है। ओके ऑल डन, ट्रेडिशनल लग चुकी है, और आज की जो वीडियो है वो यही एंड करती हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत शोर आ रहा है अभी क्योंकि फैमिली वाले थोड़ी गपशप करते हैं शाम के टाइम। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।